मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट संख्या 22 है। इसके पहले 21 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली चित्रकला के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तब तक मिलेंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोट ऑफ आर्म्स किसकी प्रसिद्ध चित्र है? तो कोट ऑफ आर्म्स जो प्रसिद्ध चित्र है वो ड्यूरर का है। ड्यूरर एक जर्मन चित्रकार हैं और इन्हीं का ये चित्र है कोट ऑफ आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छतावाद से संबंधित कलाकार कौन है? चार विकल्प दिया गया है, तो इसमें जो स्वच्छतावाद से संबंधित कलाकार हैं वो हैं देलक्रा स्वच्छतावाद से संबंध रखते हैं। यद्यपि अगर देखा जाए तो थियोडोर जोरिकाल्ट स्वच्छतावाद की शुरुआत की थी, लेकिन इसमें अधिक संवेदना और चेतना डालने का जो कार्य किया वो देलक्रा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उस कला शैली का नाम बताइए जिसका जन्म यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कंपनी शैली। यूरोपीय और भारतीय शैली का जो मिश्रण है वही कंपनी शैली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक चित्र किसका है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास जो श्री चैतन्य नामक चित्र बना हुआ है वो नंदलाल बोस ने बनाया है, और नंदलाल बोस ने अपनी कला की शिक्षा अवीन्द्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एन एस बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो एन एस बेंद्रे ने जो अपनी कला शिक्षा प्राप्त की थी वो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया था, और इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला का अध्यापन कार्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सातवीं शताब्दी का कला अजंता की किस गुफा का निर्माण काल माना जाता है? तो सातवीं शताब्दी का काल जो है अजंता की गुफा संख्या 1 मानी जाती है। सातवीं शताब्दी का काल अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर के चित्रकारों की प्रिय वस्तु क्या रही? तो जयपुर के चित्रकारों की प्रिय वस्तु जो थी वो बिहारी सतसई थी, ऑप्शन ए। जयपुर शैली में व्यक्ति चित्रों का विशेष महत्व था, और इस शैली के चित्रों में हाशिए जो हैं वो लाल रंग से बनाए जाते थे, और इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उसमें साहिब राम नोट कर लीजिए आप, साहिब राम, लाल चितेरा, राम जी दास और गुलाम अली ये मुख्य रूप से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हिमाऊ के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मीरक गिरजा गियास। हिमाऊ के मकबरे का डिजाइनर मीरक गिरजा गियास द्वारा किया गया था। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित थे? तो चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा बीकानेर शैली के चित्रकार थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नियो बंगाल शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नियो बंगाल शैली का प्रवर्तक नंदलाल बोस को माना जाता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने परंपरागत भारतीय चित्रकला, भित्त चित्रण तथा पाश्चात्य कला प्रविधियों और प्रवृत्तियों के मेल से मौलिक शैली की नींव रखी जिसमें भारतीय और विदेशी शैली का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? तो वाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवारों को मणिकुट्टम विधि से अलंकृत किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का क्या समय था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 1420 से लेकर 1500 ईस्वी तक का समय यूरोप में प्रारंभिक पुनर्जागरण का युग था। क्वेश्चन नंबर 15। जॉर्ज मूर का व्यक्तिचित्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज मूर का व्यक्तिचित्र किसकी कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एडवर्ड माने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। परिपेक्ष तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो परिपेक्ष तकनीक का आविष्कार जो किया था वो था ब्रूनेलसी, ऑप्शन डी ब्रूनेलसी ने परिपेक्ष तकनीक का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रस का मुख्य स्रोत क्या है? तो रस का मुख्य स्रोत है वो नाट्य शास्त्र है, और नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की उत्पत्ति के विषय में लिखा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ये श्लोक उन्होंने नाट्य शास्त्र में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ग्राफिक विद किससे संबंधित है? तो ग्राफिक विद जो संबंधित है वो एचिंग से, एचिंग का मतलब होता है नक्काशी, न अदक्काशी, तो एचिंग से संबंधित है क्या ग्राफिक विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पबू जी का फल नामक चित्रकार प्रचलित है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजस्थान में, राजस्थान राज्य में बड़े आकार के कपड़े पर पबू जी का फल नामक चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। केवल काले और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र क्या कहलाता है? तो इसका सही विकल्प होगा एक वर्णीय रंग योजना। केवल काले और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र एक वर्णीय एक रंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रियामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी होती है नीचे धसी होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रिलीफ। रिलीफ दो प्रकार के होते हैं, एक हाई रिलीफ और एक लो रिलीफ। हाई रिलीफ को गहरे तराशा जाता है जिससे उसमें उभार आ जाता है, और लो रिलीफ को थोड़ा सा ही तराशा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय चित्रकला के षष्ठांग के उस अंग का नाम बताइए जो रंग के महत्व को दर्शाता है। तो भारतीय चित्रकला में षष्ठांग का वर्णन जो किया गया है उसमें 6 अंगों की व्याख्या की गई है, और रंग के महत्व को जो बताता है वर्णिका भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अंजलि इलामेनन निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो अंजलि इलामेनन निम्नलिखित में से चित्रकला से संबंधित हैं, और इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, यह समकालीन कला की चित्रकार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? तो ऑप्शन ए वर्णिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो सांची स्तूप में जो है वो ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो मंडी शैली की प्राचीनतम उपलब्ध चित्र राजा केशवसेन का रूप चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तलगिलीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन ने। तलगिलीश्वर मंदिर पल्लव शासक के शासक राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वर्ली नामक लोक चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से। वर्ली नामक लोक चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन नंबर 30। नव जागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पावलो उसेलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य की कला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन होता है। इनकी कला अति यथार्थवादी से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों को तोड़ता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हाफ टोन। हाफ टोन वह साधन है जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चित्रकला से संबंधित है। इम्पेस्टो तकनीक का प्रयोग चित्रकारों के द्वारा चित्रकला में किया जाता है। इस तकनीक में तैल रंग रहित गाढ़े रंग को चौड़े ब्रश या प्लेट नाइफ से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्ता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार जी। और असित कुमार हलदार जी 1928 में यहाँ पर प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बनारस घाट की श्रृंखला चित्र के रचयिता कौन है? तो बनारस घाट चित्र श्रृंखला के रचयिता हैं राम कुमार जी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मृत्युशैया पर शहंशाह नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा अवींद्रनाथ टैगोर का ये चित्र है। मृत्युशैया पर शहंशाह चित्र जो है अवींद्रनाथ टैगोर का है। इनके कुछ चित्र आप नोट कर लीजिए, भारत माता, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, आलमगीर, नूर जहां और लैला और मजनू, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं अवींद्रनाथ टैगोर के। क्वेश्चन नंबर 38। गीता कपूर कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, समीक्षक तथा कला इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संस्कृत में प्रचलित मंगल प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंसी के जो गुरु थे ऑप्शन ए, बेरोसियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। स्लीफ ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थो मास्टर नामक एचिंग सीरीज किसने बनाया? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी गोया का एक चित्र है, फ्रांसिस्को दी गोया का स्लीफ ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं आनंद वर्धन हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लॉर्ड खां मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अहियोल, कर्नाटक के अहियोल में स्थित यह मंदिर है, इसका नाम है लॉर्ड खां मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मामल्लपुरम में, मामल्ल शैली में गंगा अवतरण का चित्र मामल्लपुरम में चित्रित किया गया है और मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुष्पाद जो शिव प्रतिमा है वो खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन थे? तो भारत भवन भोपाल के संस्थापक अशोक वाजपेयी थे और इन्होंने इसकी स्थापना 1982 में की थी। अशोक वाजपेयी ने भारत भवन भोपाल की स्थापना 1982 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, राघव कनेरिया ने कला शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो राघव कनेरिया ने जो कला की शिक्षा प्राप्त की थी वो शंकु चौधरी से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मोदिगिलियानी जो थे वो यूरोपीय चित्रकार थे और नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49, अंतः कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रोचे महोदय का है, कला अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा जो है वो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल कला भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पारसी ब्राउन ने, पारसी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायति श्रृंखला का सृजन किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन, ए रामचंद्रन का पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्रन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, नागजी पटेल सुप्रसिद्ध हैं? तो नागजी पटेल की जो प्रसिद्धि है वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्धि है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रथम कला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो मद्रास में हुई थी 1850 ईस्वी में और इसका नाम था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ब्लू सर्कस की रचना किसने की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मार्क सगाल, मार्क सगाल की रचना है ब्लू सर्कस, इम्पॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, नुकेले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? तो नुकेले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक युग में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? तो ये जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसके चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन ए
आर्यन टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कलकत्ता आर्ट कला के प्राचार्य कौन थे? कलकत्ता आर्ट कला के प्राचार्य ईवी हैवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई? तो ब्लैक फिगर तकनीक जो है यूनान की कला में 6वीं शताब्दी ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, काम सूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो काम सूत्र में चित्रकला को आलेख नाम से संबोधित किया गया है, और जो 64 कलाओं का वर्णन किया गया वात्स्यायन मुनि ने, उसमें आलेख का जो वर्णन है चौथे क्रम पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? तो ज्योति भट्ट जो हैं वो प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में जो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं वो है उत्तम पछरने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, नागरी परिचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राय कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला की बाहर दीवार पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किसकी रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, के जी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मयूर आकृति मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख पर पाई गई? तो मयूर आकृति मौर्य सम्राट अशोक के नंदगढ़ अभिलेख पर पाई गई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय कला का स्वर्णयुग माना जाता है? तो भारतीय कला का जो स्वर्णयुग माना जाता है वो गुप्त युग को माना जाता है, ऑप्शन सी। और गुप्त युग के या गुप्त काल के संस्थापक थे श्री गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, वैंड वाला श्रृंखला किसकी चित्रित है? श्रृंखला, तो वैंड वाला श्रृंखला चित्र जो चित्रित किया है उसके रचनाकार हैं चंद्रमोहन कुलकर्णी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लॉकवुड कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सोन किरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मुकुल डे। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार मुकुल डे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, चरम पुरुत्थान काल का वह कौन सा कलाकार है जिसने 100 गृहों में जाकर अब अनेक 100 का अध्ययन किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, बोट्स ऑफ पदम किसके द्वारा निर्मित की गई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, समेंद्रनाथ चक्रवर्ती। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोट्स ऑफ पदम किसके द्वारा निर्मित है? तो रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, गल बिहार किस देश में स्थित है? तो गल बिहार जो है श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नुकीली स्टारिंग सिल्वर्ड राड का। क्वेश्चन नंबर 77,
निम्न में स्वच्छंदवादी चित्रकार कौन है? तो निम्न में जो स्वच्छंदवादी चित्रकार हैं वो हेनरी रूसो हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक टेम्पल जो है वो स्थित है कन्याकुमारी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिगोपाल नृत्य कहाँ का है? तो कलिगोपाल नृत्य जो है वो असम का है, और असम के कुछ और नृत्य हैं बिछुआ, नल पूजा और महारास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में निम्न में से कौन चित्रकार करता था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पिकासो। वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में पिकासो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, प्राइमा बेरा किसकी रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सैंडो गेत्री चिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए जो आवश्यक है वो है उपयुक्त सभी, अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, सैंदो सभ्यता के मूर्ति के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, काला रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को किसने चित्रित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अगस्त मैके ने। अगस्त मैके का चित्र है लेडी इन ए ग्रीन जैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, किस कलाकार की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वान गॉग की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, बैले नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, डेगा। एडगर डेगा द्वारा चित्रित बैले नर्तकी प्रभाववाद का उत्कृष्टम चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रा एंजेलिको किस शैली के चित्रकार हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, किस कलाकार के अनुसार चित्रों में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राजा की स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है वो स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, अलाई दरवाजा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो अलाई दरवाजा जो है वो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कला इतिहासकार पारसी ब्राउन ने किस कला को मकबरे का काल कहकर संबोधित किया है? तो सैयद वालोदी कला को कला इतिहासकार पारसी ब्राउन ने मकबरे का काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया? तो मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ जो किया था हिमाऊ ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, गंधार शैली मिश्रण है, तो गंधार शैली ग्रीको और रोमन शैली का मिश्रण गंधार शैली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था पिकासो व ब्राक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से विरोधी रंग युग्म कौन सा है? तो विरोधी रंग युग्म जो है वो लाल और हरा एक दूसरे के विरोधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन है?
दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार जो नहीं है उनमें से पियर बोनार जो है उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है, बल्कि तीनों वान गॉग, पॉल गॉगिन और जॉर्ज सोरा ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, अजम्पन्सन ऑफ दी वर्जिन का चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी टीसीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो जेसी फ्रेंच को प्राप्त है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, बाघ की कौन सी गुफा रंग महल गुफा कहलाती है? तो बाघ की जो गुफा संख्या 4 है वो रंग महल के नाम से जानी जाती है, और यह गुफा एक चैत्याकार गुफा है, इसमें पद्मसेन बुद्ध की मूर्तियां रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राखीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो सूर्य सम्मान चक्र का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र कौन चित्रकार का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा यह चित्र कारबजियो का है, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र जो है वो कारबजियो का है। क्वेश्चन नंबर 105, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जॉन वर्डवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, बोल्ड एंड क्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता किस परंपरा चित्र शैली की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राजस्थानी शैली की। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, टाइगर इन मूनलाइट नाइट किसकी कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जोगेन चौधरी की, टाइगर इन मून लाइट नाइट जोगेन चौधरी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया? तो ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण हीगल महोदय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, पुसेरा पल्ली तीन परियों की कहानी नामक चित्र की रचना किसने की? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए के जी सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, मोहनजोदड़ो संस्कृति नामक चित्रों किसके द्वारा बनाए गए? तो मोहनजोदड़ो संस्कृत नामक चित्र जो बनाए गए वो सतीश गुजराल के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्टील विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी के एच आरा। कृष्ण हवाला जी आरा को स्टील विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, धीमान और बीतपाल किस शैली के चित्रकार थे? तो धीमान और बीतपाल जो हैं वो हैं पाल शैली के चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, कल्पसूत्र की किस चित्रकला शैली से संबंधित ग्रंथ है? तो कल्पसूत्र जो है वो है जैन शैली चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, कौन सी चित्रकला शैली ढूंढार शैली के नाम से जानी जाती है? इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन ए जयपुर शैली को ढूंढार शैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या है? तो राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषता है वो लघु चित्र है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय ध्वज के में चक्र किसका द्योतक है? तो भारतीय ध्वज में जो चक्र द्योतक हो निरंतर गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है? तो जो रेखीय प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है वो है रोमनस कला की शैली।
चलिए क्वेश्चन नंबर 118, भारत के किस संग्रहालय में कुशाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मिनिएचर शैली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? तो मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य जो है वो है द वीनस ऑफ वेलेंड्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिज्म का प्रयोग किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मोंद्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन है? जो तांत्रिक कलाकार हैं वो हैं ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्वे। प्रभाकर वर्वे जो हैं वो तांत्रिक कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, किरणवास से संबंधित चित्रकार का नाम बताइए। तो किरणवास से संबंधित चित्रकार जो हैं वो हैं ऑप्शन ए, लारियो नोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, लाफिंग कैवेलियर चित्र को किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फ्रांज हाल। लाफिंग कैवेलियर नामक चित्र फ्रांस हाल ने 1624 ईस्वी में बनाया, और फ्रांज हाल जो थे वो डच कलाकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लोंजाइनस ने उदात्त का सिद्धांत जो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के में प्रतिपादित किया वो लोंजाइनस थे। तो यहीं पर हमारा टेस्ट श्रृंखला और प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस चैनल पर डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करने को मिलेगा, और तब तक मिलेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। आपकी तैयारी बनी रहे, अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।